हरे कृष्णा। तो हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हम लोग का जिंदगी का वो डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो नीति है जीवन का, उसको मैंने नाम दिया है डबल लॉस डबल गेन फॉर्मूला। तो ये डबल लॉस डबल गेन फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग चाणक्य नीति से हम लोग देखेंगे और जानेंगे डबल लॉस डबल गेन फॉर्मूला। तो चाणक्य नीति एक श्लोक है, वो बृहस्पति नीति सार इससे लिया गया है, चाणक्य जी ने लिया था। तो ये श्लोक ऐसा है, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टम एव हि। तो इसका मतलब है, ये श्लोक का मतलब है कि जो व्यक्ति टेम्पोररी चीज को पाने के लिए परमानेंट चीज को त्याग देता है, वो व्यक्ति परमानेंट चीज भी खोता है और जिस टेम्पोररी चीज को पाने के लिए वो परमानेंट चीज को त्याग दिया है, वो टेम्पोररी चीज भी उसको नहीं मिलता है। सो व्हाट इज टेम्पोररी एंड व्हाट इज परमानेंट? परमानेंट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दैट इज परमानेंट कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल लाइफ जो है इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान का भक्ति में, ये परमानेंट है, ये परमानेंट प्लेटफॉर्म में है। और टेम्पोररी प्लेटफॉर्म क्या है जीवन का, जो लाइफ का गोल जिसके पीछे सब लोग भाग रहा है, मनी, बिग बंगलो, टेम्पोररी एसेट्स, इस मेटेरियल वर्ल्ड का, इस दुनिया का चीजें को इकट्ठा करना, ये टेम्पोररी चीज के पीछे भागना हुआ ये। हाँ, टेम्पोररी चीजें हम लोग का जीवन में जरूरत है, लेकिन जरूरत अलग चीज है और उसी को जीवन का पूरा मुद्दा बना देना वो अलग चीज हुआ, उसी को लाइफ का गोल बना देना वो अलग चीज हुआ। सो जिसने दोज Having this goal that in my life, earning money and enjoying facilities, having very nice cars, very big amount of bank balance, very beautiful bungalow, very beautiful wife, all these hankerings and desires, all these things are actually temporary. I am not saying these are not needed, but temporary things should not be the ultimate goal of our life. Therefore, जो व्यक्ति ये भगवान को जो नित्य है और भगवान से हम लोग का जो संपर्क है, वो जो नित्य चीज है, रिलेशनशिप ऑफ अस द स्पिरिट सोल विथ कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये जो नित्य संपर्क है, इसका ऊपर जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है और भक्ति के साइंस के टच में आने के बावजूद अगर कोई ये साइंस को, ये इटर्नल साइंस को, क्या है इटर्नल साइंस, मेरे साथ भगवान का क्या रिलेशन है, ये इटर्नल साइंस है,
इस इटर्नल साइंस को जो त्याग देता है, या फिर कहा जाए जो भगवान का जो भक्ति है, कृष्ण कॉन्शसनेस, ये जो त्याग देता है, किस लिए, किस लिए त्याग देता है? टेम्पोररी गोल्स के लिए, मनी, कार, बंगलो, फैसिलिटीज, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय जो चाहता है उसको एंजॉय करने के लिए, तो उसको अपना लाइफ का अल्टीमेट गोल जो बना लेता है। और भगवान का जो साइंस है, भक्ति का जो साइंस है, उसको त्याग देता है ये सोच के कि ये जो भक्ति का साइंस है, ये मेरा जिंदगी का एम को खराब कर दे रहा है। मेरा जिंदगी का एम तो है सेंस एंजॉयमेंट, इस सेंस एंजॉयमेंट में भगवान का भक्ति बाधा डाल रहा है और मेरा टाइम वेस्ट करवा रहा है। ये सोच के जब कोई परमानेंट चीज भगवान का भक्ति को त्याग देता है टेम्पोररी चीज के लिए, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि अरे चलो मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, 2 साल मैं अपना लाइफ को सेटल कर लेता हूँ, फिर से हम भक्ति करेंगे। इस तरीके से भगवान का भक्ति पूरा बंद कर देता है कोई, टेम्पोररी चीज के लिए परमानेंट को त्याग दिया। ऐसा व्यक्ति जिस एम के लिए वो परमानेंट चीज त्यागा, भगवान का भक्ति त्यागा, वो टेम्पोररी चीज भी नहीं मिलता है और परमानेंट चीज तो खो जाता ही जाता है, इट इज डेफिनेटली लॉस्ट। सो दोज हु आर रिनाउंसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, दे आर एक्चुअली इन डबल लॉस। दिस इज डबल लॉस। आई टॉक्ट अबाउट डबल लॉस, डबल गेन फॉर्मूला। बोथ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट एंड जिस एम के लिए वो कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ा था वो भी नहीं मिलता है, और वो भी अगर बहुत कष्ट से थोड़ा भी मिल गया तो उसमें फ्रस्ट्रेटेड रहता है। दोनों ही लॉस हो गया, स्पिरिचुअल भी लॉस और मटेरियल, जिस गोल को हासिल करने के लिए वो भगवान का भक्ति त्याग दिया था वो भी हासिल नहीं होता है, डबल लॉस। बट दोज हु आर स्टिकिंग टू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, दे रियलाइज दैट दे आर गेनिंग इन बोथ वेज, दे डोंट हैव एनी लैक ऑफ एनी थिंग इन देयर लाइफ, मेटेरियल थिंग, उसको मेटेरियल चीजों का अभाव नहीं होता है। धीरे धीरे उसको ये समझ में आ जाता है और भगवान का भक्ति में, स्पिरिचुअल चीजों में वो और आनंद पाता रहता है, तो वो डबल गेन होता है उसके लिए। सो स्टिकिंग टू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस विल गिव वन डबल गेन इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, जो भगवान का भक्ति का प्रोसेस को उसमें टिका हुआ है, उसको कंटिन्यू कर रहा है, वो डबल गेन पाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसको समझ में आता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसको समझ में आता है, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे उसका सामने वो आ जाता है कि यस आई एम गेनिंग इन बोथ वेज, देयर इज नो लॉस, डबल गेन। सो दिस इज व्हाट चाणक्य पंडित आल्सो सेज इन दिस श्लोका। तो ये डबल लॉस और डबल गेन फॉर्मूला हम लोग को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम लोग उनको कभी ना भूले और उनके साथ जो खोया हुआ संपर्क है उसको रिवाइव करे, उसको पुनरुद्धार करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।